हाय एवरीवन, आज हम बेसन और चावल के आटे से बना बहुत ही टेस्टी मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी लेके आए। जब रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तो इस नाश्ता को बनाइए, जोर की भूख लगी हो तो भी बना के खा सकते हो। इंस्टेंट बना के देखा है, रसोई में मौजूद सामान से देखिए कितनी बढ़िया बनी है। सॉस के साथ खाइए, हरी चटनी, चाय के साथ खाली भी खा सकते हो। अब चलिए मज़ेदार नाश्ता को कैसे बनाना है देखते हैं। सबसे पहले बाउल ले लिया है, एक कप चावल का आटा ले लेंगे, एक कप ही बेसन मिलाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेटर बना लेंगे। पानी को एक साथ ज़्यादा नहीं मिलाना क्योंकि बेटर हमें ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया है, इसको हेल्दी बनाने के लिए कुछ सब्ज़ी मिलाएंगे। एक बारीक कटी हुई टमाटर, एक प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च, कड़ी पत्ता, तके जगह हरा धनिया ले सकते हो, दो हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर कलर के लिए, आधी चम्मच साबुत जीरा से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हरी मिर्च डाल चुकी है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी गरम मसाला डालेंगे। अब सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत ही कम मसाले में इंस्टेंट नाश्ता बन के रेडी हो जाते हैं रसोई में मौजूद सामान से। बेटर गाढ़ी लग रही है, थोड़ा सा पानी और डालेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया है, देखिए इसी तरह से बेटर चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब इसको 5 मिनट रेस्ट पर रखेंगे, 5 मिनट बाद चेक करेंगे, मिक्स करेंगे। बेटर हमारी सेट हो गई है। को हल्का फुल्का सॉफ्ट फुलाने के लिए थोड़ी सी इनो डालेंगे, इनो के जगह बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो। मिक्स करेंगे, इनो डाल के हमें तुरंत ही बनाना है, इसको रखना नहीं है। मिक्स कर लिया है, देखिए इसी तरह से बेटर चाहिए। अब हम गैस पे चलते हैं। गैस पे तड़का पैन चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, 1 चम्मच बेटर डालेंगे। अब इसको कवर करके 3 मिनट पका लेंगे, गैस का फ्लेम लो करके 3 मिनट बाद चेक करेंगे। हो गई है नाश्ता, देखिए फूल गई है। 1 चम्मच ऑयल और डालेंगे। अब हम पलटेंगे, देखिए बड़ी आराम से पलट गई है। इस तरह से हल्के से दबा लेंगे, फिर से 2 मिनट कवर करके पका लेंगे। 2 मिनट बाद फिर चेक करेंगे, पलटेंगे, देखिए इधर भी कलर बढ़िया आ गई है। अलग पलट के 2 मिनट और सेक लेंगे। बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है। 5 मिनट में नाश्ता को बना के रेडी कर सकते हो। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएंगे और सब मांग मांग कर खाएंगे। बच्चे को टिफिन में दीजिए, बच्चा टिफिन ख़त्म करके ही आएंगे। इंस्टेंट नाश्ता बना के दिखाई, एक बार जरूर ट्राई करिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी है। नाश्ता सीख गई है, कलर भी बढ़िया आ गई है, और इसी तरह से हम सभी को रेडी करके ले लेंगे। देखिए नाश्ता हमारी रेडी है, खाने के लिए कितनी बढ़िया बनी है। देखिए फुली फुली सॉफ्ट नाश्ता बना है। इस नाश्ता को खाने के बाद इडली डोसा बोरा सब भूल जाओगे, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएंगे और मांग मांग कर खाएंगे। इसी तरह की आसान नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और चलती हूँ, आपकी नाश्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अब चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं। बाय।